दो मांगे इन्होंने रखी है, डीए वाली तो मैंने बता दी, दो तीन महीने आप इंतजार कर लेंगे, और जो 5 डेज वीक की बात है उसका धन करना पड़ेगा। और बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, गाड़ियां रुकेगी, बिजली के बिल कम होंगे, और हम आधा घंटा या 1 घंटा बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त चाहिए। विस्तृत सोचने के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता कि क्या हम उसे लागू करें या ना लागू करें, लेकिन आपके हित में देखते कल को ये ना हो कि घर में लड़ाइयां ही ना हो जाए सैटरडे को रोज ही बात, तो ये थोड़ा ये भी पक्ष भी देखना पड़ेगा ना। तो वो नहीं तो ऑफिस के बहाने कई लड़ाइयां रुक जाती है कि ऑफिस आ रहे सोच रहा, तो ये चीज भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का विस्तृत ध्यान करने के बाद अगर जहां होगा हमारी सरकार कर्मचारियों की सहयोगी है, कर्मचारियों के हित की है, किसान के हित की है, महिलाओं के हित की है। और आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, अभी हम पुलिस की भर्ती करने जाते हैं, क्योंकि कोई भी महिला जब तक समाज में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेगी तो उस उन्नति में थोड़ी कमी रह जाती है। हम महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होने जा रही है 1200, उसमें 30% हमने कोशिश करेंगे कि हम 30% रिजर्वेशन महिला पुलिस को दें, ताकि वो आने वाले समय में पुरुषों के मुकाबले अपना कार्य कर सके। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आगे कार्य कर रही है। इस सचिवालय की जो मांगे हैं, आप तो घर के आदमी कभी भी आगे गेट से आके मिल सकते हैं, आपकी सभी मांगों को हम पूर्ण करेंगे, और मांगे को विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और फाइनेंस के आपके जो कर्मचारी हैं या अधिकारी बैठे हो, मेरे से ज्यादा फाइनेंस की हालत जानते हैं, और आपने पहले ही पता कर लिया होगा क्योंकि आप तो बड़े एक्टिव हमारे प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जो संजीव जी ने बोला है, आप ये दो एक महीने का समय दीजिए, आप तो जरूर कुछ ना कुछ हम जो डीए है क्योंकि और कुछ लाइबिलिटीज जो है उसको कम करने की हम कोशिश करेंगे। हमने हमारे इस बजट ने दिशा पकड़ी है और राजस्व उगाही में हम आगे बढ़ रहे हैं। कई लोगों को कष्ट होता होगा हमारी बात से क्योंकि कुछ हम सख्त फैसले कर रहे हैं, वो कष्ट प्रदेश की जनता के हित में, मेरे व्यक्तिगत हित में कुछ नहीं है, हमारी सरकार के व्यक्तिगत हित में कुछ नहीं है। और हम उन जिनको कष्ट हो रहा है वो राजस्व हमारा ठीक ढंग से सरकार में दे, हम उनका भी सम्मान करेंगे, लेकिन चोरी बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। इस संदर्भ में भी मैं कहना चाहता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो ओल्ड पेंशन के कारण भारत सरकार ने हम पर प्रतिबंध लगाए हैं, मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम के जो विपक्ष के लोग हैं वो जाए और इन प्रतिबंधों को हटाएं। इसके अलावा अगर ये 3 महीने हमारे आपदा में ना बीते होते तो हमारा राजस्व 1500 करोड़ रुपए तक पहुंचता, जो ऐतिहासिक था। लेकिन जीएसटी कम हो गया, शराब जो पीने वाले बाहर के टूरिस्ट आते थे उस पर वैट कम हो गया, और भी कई चीजें हमारी कम हुई है, लेकिन आपदा में 16,000 हमारे परिवार है। मैं जानता हूं हिमाचल में एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है, बड़ी मेहनत की कमाई से, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे बागवान है, चाहे कोई और है, बड़ी मुश्किल से एक अच्छा घर बनाता है। इस आपदा में कई लोगों के अच्छे घर बह गए। सरकार ने फैसला किया कि हम चाहे किसी का कच्चा घर भी भाया है, पक्का घर भी भाया है, उसे 7 लाख रुपया देंगे। इसके अलावा तो पानी का मुफ्त का कनेक्शन देंगे, बिजली का कनेक्शन देंगे, और जो सीमेंट का रेट 280 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से, जो 16,000 घर बहे हैं जिसमें 3,500 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, उनको 10 लाख रुपए की सरकार आपदा राहत कोष से, जो हिमाचल सरकार द्वारा बनाया गया, से उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी तक हमें आपदा से केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला, अब तो हमने वो आशा ही छोड़ दी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अखबारों की सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, वो आपदा राहत कोष में तो कुछ डरा नहीं सके, लेकिन जो हमने 97 करोड़ का क्लेम भरा है, उस क्लेम में हमारा अधिकार है, कम से कम उस क्लेम के 4,500 करोड़ आप हमें दिलाइए, जो कि हमें मिलने ही है, उसमें भी अड़चने मत डालिए, क्योंकि ये पैसा कांग्रेस की सरकार का नहीं है, हिमाचल सरकार का है, हिमाचल की जनता का है, उनके कल्याण के लिए लगेगा, ये मैं उनको कहना चाहता हूं। और जो आंकड़े अखबारों में प्रस्तुत कर रहे हैं, अभी तक हिमाचल सरकार ने
2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 4400 करोड़ रुपए का खर्च लिया है और हम 12000 करोड़ कर्ज तो ले नहीं सकते, 6600 करोड़ का कर्ज की हमारी लिमिट है, लेकिन हमने अपने आय के साधन बढ़ाने हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना है। और हमारे आय के साधन दो ही चीजों से बढ़ सकते हैं, पानी से और पर्यटन से। इसमें हम खूब खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में 2-3 साल में आपको ये चीजें धरातल पर नजर आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ